कोरोना महामारी के खिलाफ भारत को एक और सफलता मिली है। भारत बायोटेक की नाक के रास्ते दी जाने वाली वैक्सीन के इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल के लिए DCGI की मंजूरी मिल गई है। फिलहाल ये वैक्सीन 18 वर्ष से बड़ी आयु वाले लोगों को दी जा सकेगी। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो इंजेक्शन से कतराते हैं। दो खुराकों वाली इस नेजल वैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। इस वैक्सीन का 4000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। राहत की बात ये रही कि किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास दो मुख्य ढंग हैं। एक तो COVID-19 वैक्सीन का यूज और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आज की डेट में जितनी भी COVID-19 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो मोस्टली इंट्रामस्कुलर रूट या मांसपेशियों के द्वारा दी जाती है। ये वैक्सीन जो आज के पास आज हमारे पास नई वैक्सीन आई है, ये हम इंट्रानेजल रूट से दे सकते हैं, नाक से दे सकते हैं, और इसकी अवेलेबिलिटी मुझे लगता है इस लड़ाई से लड़ने में हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये एक नीडल फ्री वैक्सीन है जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये दूसरी वैक्सीन से अलग कैसे है। आमतौर पर टीकाकरण तीन तरीकों से होता है, मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाकर, दूसरा ओरल ड्रॉप्स के जरिए जैसे पोलियो ड्रॉप्स, और तीसरा तरीका है नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे। ये अक्सर सांस से होने वाली बीमारियों के लिए दिया जाता है। COVID-19 की इंट्रानेजल वैक्सीन हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये हमारे संसाधनों को कम खर्च करेगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि ये वैक्सीन लोकली इफेक्ट करेगी और एक आदमी इसको अपने लेवल पे भी यूज कर सकता है। इसके लिए हमको किसी और आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न इसके लिए हमको इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी और न ही हमारे लिए स्पेशलाइज मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। ये हमको इजिली अवेलेबल हो सकती है और क्योंकि हम इसको खुद लगा सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है COVID-19 से लड़ने के लिए। ये वैक्सीन उस वक्त भारत में लॉन्च की गई है जब 18 साल से ऊपर लगभग सभी व्यक्तियों ने कोविड की कोई ना कोई वैक्सीन लगवा ली है। अगर भारत में हेट्रो बूस्टर डोजेस यानी बूस्टर के लिए पहली वैक्सीन से हटकर दूसरी वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी जाती है, तब भी ये नेजल वैक्सीन ली जा सकती है।